हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एलजेपी से बेदखल होने के बाद चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हुई। दोपहर 1 बजे मीडिया से होना था रूबरू। चिराग पासवान ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता देने पर फिर से विचार करने की मांग। दिल्ली के पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान के समर्थकों ने किया प्रोटेस्ट। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए। एलजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस के घर की नारेबाजी। सांसदों पर लगाया विश्वासघात का आरोप। एलजेपी युवा मोर्चा ने चिराग पासवान के घर के पर बाहर भी किया प्रदर्शन। चिराग के समर्थन में हुई नारेबाजी। समर्थकों के जमावड़े के बाद चिराग पासवान के घर बढ़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती। पशुपति पारस सांसद प्रिंस राज और 5 एलजेपी नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई। पार्टी से धोखाधड़ी करने का आरोप है। 21 जून को होगी सुनवाई। एलजेपी में छिड़े घमासान पर पशुपति पारस का बयान। इंडिया टीवी से बोले, चिराग को संविधान के तहत हटाया गया। 6 में से 5 सांसदों ने चिराग को अध्यक्ष पद से हटाने का लिया फैसला। पशुपति पारस ने कहा, असामाजिक तत्वों ने एनडीए से एलजेपी का गठबंधन तोड़ा। चिराग के गलत फैसलों की वजह से बिहार में पार्टी हुई खत्म। पशुपति पारस का बयान, चिराग का एलजेपी अध्यक्ष बने रहना असंवैधानिक। खुद को बताया एलजेपी संसदीय दल का नेता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम को दी एमपी के कोरोना हालात की जानकारी। तीसरी लहर की चुनौतियों पर हुई चर्चा। ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण हुआ खत्म। अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर के सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। ट्विटर ने अभी तक भारत में नियुक्त नहीं किया है नोडल ऑफिसर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप, ट्विटर को दिए गए कई मौके, जानबूझकर नियम नहीं मानने का किया फैसला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गाजियाबाद की घटना दिखाती है ट्विटर की मनमानी। यूपी में कई वारदात पर फैक्ट चेकिंग का नहीं किया गया इस्तेमाल। ट्विटर ने सरकार को भेजा जवाब। कहा, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की कर रहे कोशिश। अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को किया गया नियुक्त। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई के मामले में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस के FIR में मोहम्मद जुबैन, राणा अयूब समेत कई पत्रकारों के भी नाम। पूरे मामले को धार्मिक रंग देने का आरोप। बुजुर्ग का वीडियो 2 दिन से हो रहा था वायरल। सोशल मीडिया पर जबरन जय श्री राम बुलवाने की फैलाई गई अफवाह। मारपीट करने वालों में 4 आरोपी मुस्लिम समुदाय के और 2 हिंदू समुदाय के। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद के SSP ने कहा, मामले का धार्मिक एंगल नहीं, गलत पोस्ट शेयर करने वालों पर होगी कार्रवाई। ट्विटर पर FIR पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, ट्विटर को गुनहगार ठहराना गलत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से पुलिस पर गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ा। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा, यूपी में गलत आरोप लगाने के मामले बढ़ रहे, पुलिस बरते सख्ती। दुनिया में देश की छवि हो रही खराब। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी ने एक वर्ग के साथ लिया था संकल्प, नहीं बनने देंगे राम मंदिर। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर जम्मू में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने जलाया अखिलेश यादव के पोस्टर। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच सोनिया गांधी ने सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू को दिल्ली तलब किया। पार्टी में गतिरोध खत्म करने के लिए लिया जा सकता है फैसला। पंजाब कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में फरीदकोट में लगे पोस्टर। पंजाब कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हरिंदर सिंह काहलो, जगमोहन सैनी, निर्मल सिंह मोहाली समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने बदला पाला। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर की चुटकी। कहा, कांग्रेस को खुद सुलझाना होगा अपना झगड़ा। राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, संघर्ष जोड़ तो आपसी फेवर और कांग्रेस का चोली दामन का साथ। BSP के बागी विधायकों को लेकर मायावती का अखिलेश पर पलटवार। कहा, जोड़तोड़ और जातिवाद की राजनीति में माहिर है समाजवादी पार्टी। SP का चाल चरित्र और चेहरा दलित विरोधी। मायावती ने कहा, BSP विधायकों के समाजवादी पार्टी में जाने की बात छलावा, अगर ऐसा हुआ तो SP में हो जाएगी बगावत। बारिश के बीच कोल्हापुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी धरने पर बैठे। राज्यसभा सांसद संभाजी राजे छत्रपति के नेतृत्व में कोल्हापुर में शुरू हुआ मराठा आंदोलन। कई दलों के विधायक धरने पर शामिल। कोलकाता पुलिस ने की मिथुन चक्रवर्ती से वर्चुअल पूछताछ। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा के लिए उकसाने का इल्जाम। दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले बंगाल की राज्यपाल धनखड़। कोलकाता से कल रात दिल्ली पहुंचे हैं गवर्नर जगदीप धनखड़। आज गृहमंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में जारी हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, चुनाव के बाद से अब तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या, सरकार खुद दे रही हिंसा को बढ़ावा। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। हिंद माता समेत कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद मुंबई के परेल में भी वाटर लॉगिंग, सड़कें बनी नदी। रुक रुक कर बारिश के बाद मुंबई के किंग सर्कल
इलाका तालाब बना, घुटने तक भरा पानी, आने जाने वाले लोगों को हो रही काफी परेशानी। बरसात के बीच मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा लंबा जाम, बेहद धीमी रफ्तार से चली गाड़ियां। बारिश के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, खुले नाले में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत। दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, हल्की बारिश से मिली गर्मी से राहत। लगातार हो रही बारिश से बिहार के में भारी तबाही, बगहा में हरदा नदी में बही एक गाड़ी। श्रीनगर के नौगांव इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी की पहचान शोपियां निवासी उजैर अशरफ डार के रूप में है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद और कट्टरपंथ। राजनाथ सिंह ने कहा, मौजूदा सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुई चुनौतियां, इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में स्वतंत्र और खुली व्यवस्था का समर्थन। पर्यटकों के लिए आज से खुल गया ताजमहल, दुनिया के अजूबे को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट के आने की वजह से आसपास के दुकानदारों में खुशी का माहौल। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा को 2 महीने बाद खोलने की तैयारी, इमामबाड़ा में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम जारी। मुंबई में आम लोगों के लिए कब खुलेगी लोकल ट्रेन, कल बीएमसी की बैठक के बाद होगा फैसला। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ मंदिर के बाहर पुजारियों का प्रोटेस्ट जारी, एक पुजारी ने शीर्षासन मुद्रा में किया प्रोटेस्ट। सागर राणा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जूडो कोच सुभाष को गिरफ्तार किया, सुशील कुमार पहले से ही न्यायिक हिरासत में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल, मुंबई में पेट्रोल 130 रुपए के करीब पहुंचा तो दिल्ली में 96.5 रुपए से ज्यादा की कीमत। कोविशील्ड की दूसरी डोज का गैप घटाकर 4 या 8 हफ्ते करने पर चर्चा जारी है, कोविड पर बने अहम वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष एनके अरोड़ा का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी पूरी, 12वीं पास 5,000 युवाओं को दी जाएगी हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। केजरीवाल ने कहा, युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, अस्पताल में डॉक्टरों के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे युवा, 17 जून से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मुंबई के हीरा नंदानी एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी में वैक्सीनेशन के नाम पर फ्रॉड, फर्जी वैक्सीन लगाने के आरोप में 2 लोग हिरासत में। हीरा नंदानी सोसाइटी में 30 मई को 390 लोगों को लगाया गया था टीका, किसी में नहीं दिखा कोई लक्षण, अलग अलग अस्पतालों से जारी किए गए सर्टिफिकेट। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट, एक दिन में करीब 62,000 नए मामले सामने आए, 2,542 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 27 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई, उनके पास अब भी वैक्सीन की 1,80,00,000 से ज्यादा डोज मौजूद है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लगाया आरोप, का पीएम की झूठी छवि बचाने के लिए वायरस को बढ़ावा दे रही केंद्र सरकार। दिल्ली में कोरोना के 228 नए केस मिले, 12 लोगों ने दम तोड़ा, पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% हुआ। यूपी में एक दिन में कोरोना के 340 नए मामले, 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना की तीसरी लहर पर उद्धव सरकार की आज अहम बैठक, मीटिंग में थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच आजादपुर सब्जी मंडी में फिर टूटे कोरोना के नियम, बिना मास्क सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। अमृतसर में सुरक्षा सेवाओं में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों का गुरु नानक स्टेडियम खोलने के लिए प्रोटेस्ट, ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम खुलवाने की मांग कर रहे। दिल्ली की केशवपुर सब्जी मंडी में जुटी भीड़, व्यापारियों ने कहा, बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचेंगे। बांग्लादेश ने दी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक सड़क परिवहन निगम की बसों को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैक्सीन केंद्रों में बदला गया, 24 घंटे रहेगी वैक्सीन की सुविधा। गुजरात के आणंद में एक बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, सड़क हादसे में मारे गए 2 युवकों की मौत के बाद हुआ बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुणे में पिकनिक मनाने निकले माँ बेटे का शव मिला, पति अब भी लापता। दिल्ली के सुल्तानपुरी में मोबाइल स्नैचिंग करती महिला सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारिश के बीच मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए का कहर, सोसाइटी में घुसकर किया कुत्ते का शिकार। अमृतसर में गैस पाइपलाइन के विरोध में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिलीवरी वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, गैस पाइपलाइन को हटाने की मांग। यूपी के गाजीपुर में गंगा में बहती हुई लकड़ी के बक्से में मिली एक 21 दिन की बच्ची, बॉक्स के अंदर लगी थी देवी देवताओं की फोटो। सीएम योगी का निर्देश, चिल्ड्रन होम में सरकारी खर्चे पर होगी बच्ची की परवरिश, नवजात बच्चे को बचाने वाले नाविक को मिलेगा सरकारी आवास। पटना में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के सरकारी बंगले में लगी थी आग, परिवार के लोग सुरक्षित बाहर निकले, आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में हाईवे पर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली 2 बाइक सवारों पर पलटी, पिता की अस्पताल ले जाते समय मौत, बेटा सुरक्षित। यूपी के आगरा में एक घर की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 6 लोग जख्मी हुए, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे जिनेवा, आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक पर सारी दुनिया की नजर। पाकिस्तान की संसद में जबरदस्त हंगामा, बजट पर बहस के दौरान विपक्ष के साथ मारपीट पर उतरे इमरान खान के सांसद। इसराइल ने फिर की गाजा पर एयर स्ट्राइक, गाजा की तरफ से छोड़े गए थे विस्फोटकों से भरे बलून। न्यूयॉर्क में 70% लोगों को लगी कोरोना वायरस की वैक्सीन की एक डोज, लक्ष्य पूरा होने पर मैनहट्टन में जमकर की गई आतिशबाजी। बैठक में दुबला नजर आया उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग, सेहत को लेकर अटकलें लगनी शुरू। बाढ़ ने मध्य नेपाल मिटाया कहर, एक की मौत, दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका। भीषण गर्मी के बीच अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में और फैली जंगल की आग, लॉस एंजलिस के पूर्व तक पहुंच रहा धुआं।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी जज सरला विद्या को कनेक्टिकट स्टेट में जज नियुक्त किया। पहली बार साउथ एशियन मूल की जज की नियुक्ति हुई है। सुनील गावस्कर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों को खेलने की उम्मीद। कहा साउथैम्पटन का मौसम गर्म। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट आज से शुरू होगा। पहले से इस्तेमाल पिच पर मैच खेले जाने पर इंग्लैंड टीम ने जताई है अपनी नाराजगी। श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया मुंबई पहुंची, 28 जून तक रहेगी क्वारंटीन। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूरो फुटबॉल में जर्मनी को 1-0 से हराया। जर्मनी के प्लेयर ने 20वें मिनट में आत्मघाती गोल कर लिया। फ्रांस जर्मनी मैच से पहले ग्रीन पीस कार्यकर्ता के पैराशूट से स्टेडियम में उतरने से बची अफरा तफरी। हादसे में दो लोग घायल। यूरो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिलाई पुर्तगाल को जीत। हंगरी के खिलाफ दागे दो गोल। यूरो कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोल्ड ड्रिंक देखकर नाराज हुए रोनाल्डो। बोतल नीचे रखकर कहा पानी पीने की आदत डालो। अक्षय कुमार ने शेयर किया फिल्म बिल बॉटम का टीजर। 27 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी ये फिल्म। पिता सलीम खान की डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करेंगे 70 और 80 के दशक के राइटर जोड़ी। सलीम जावेद की जिंदगी पर बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।